की हमारी इंग्लिश की क्लास का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है स्टूडेंट्स? बोलने के प्रकार, है ना। स्पीच मीन्स क्या होता है? बोलना। पार्ट्स मीन्स प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स, बोल पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को रीड करते हैं स्टूडेंट्स। वर्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो शब्द होते हैं वो अलग अलग प्रकार के में बांटे गए हैं, है ना। तो उनको, उन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगी स्टूडेंट, जब भी हम कुछ कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, है ना, तो उसके लिए जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, किसी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, तो वो जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो किससे बनता है? शब्दों से मिलकर बनता है, है ना। उन्हीं शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। उन शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 8 भागों को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स वो वाक्य, मतलब वाक्य जो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और शब्दों को किस 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कितने पार्ट्स में बांटा गया है शब्दों को? 8 पार्ट्स में बांटा गया है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इसमें सबसे पहला है हमारा नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या, नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, मीन्स संज्ञा बोलते हैं। जैसे हरी, टेबल, पेन, दिल्ली एक्सेट्रा। हरी क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। टेबल क्या है? एक वस्तु है। पेन भी क्या है? एक वस्तु है। दिल्ली क्या है? एक प्लेस का नाम है, है ना। तो ये हमारे किसमें आते हैं? ऐसे वर्ड हमारे किसमें आते हैं? नाउन में आते हैं स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड बात करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो वर्ड होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ऐसे वर्डों को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, दे, यू एक्सेट्रा। जब भी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास सेंटेंस में या किसी भी स्टोरी में हम नाउन को पहले ले चुके हैं, नाउन का यूज़ कर चुके हैं, लेकिन हम बार बार नाउन उस सेंटेंस में या उस स्टोरी में बार बार नाउन का यूज़ नहीं करेंगे, उस नाउन की जगह पर जो हम वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे ही, शी, इट, दे, तो ऐसे वर्ड हमारे किसमें आते हैं? प्रोनाउन में। जैसे हमने बोला हरी, हमारा क्या था? नाउन था। हमने बोला हरी इज ए गुड बॉय, हरी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, दो बार हमने क्या बोला? हरी हरी, है ना। देखिए, दो बार हरी नहीं बोल के हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हरी इज अ गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट। हरी क्या है? एक अच्छा लड़का है और वो क्या है? बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो संज्ञा की जगह, हरी की जगह हमने किसका यूज़ किया? ही का यूज़ किया, क्योंकि हरी क्या था? बॉय था। गर्ल होकर तो शी, है ना। तो ये जो वर्ड होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोनाउन होते हैं, मीन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने यूज़ किए जाने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया मीन्स कार्य, है ना। जब भी किसी क्रिया को वर्ड होते हैं, वर्ड जिनको बोलते हैं, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कार्य की क्या कार्य हुआ, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, ये सब हमारी क्या है? क्रिया है, वर्ब है हमारे, है ना। रीड, राइट, गो, ईट, इज, एम, आर, ये भी किसी कार्य को दर्शाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये, है ना। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जो क्रिया वो होती हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कार्य को रिप्रेजेंट करती है, है ना, तो वो हमारी क्या होती है? वर्ब, क्रिया होती है हमारी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स, एडजेक्टिव वो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण मीन्स जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, किस चीज़ की? नाउन और प्रोनाउन की। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्वांटिटी भी होती है किसी
और इसकी मैंने जो पूछूंगे वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं वो क्या होते हैं हमारे एडजेक्टिव, जैसे नाइस, ब्यूटीफुल, गुड, टू, फैट एटसेट्रा। जैसे सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा क्या है हमारी नाउन है, सीमा क्या है नाउन है, इज वो क्या है ब्यूटीफुल है, सीमा की विशेषता क्या है ब्यूटीफुल मीन्स वो क्या है सुंदर है। तो इसमें क्या बताया ब्यूटीफुल वर्ड में किसकी बताई विशेषता, सीमा की मीन्स नाउन की विशेषता बताई उसने, है ना। तो वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, कभी कभी हम सिंपल तौर पर नाउन का यूज नहीं करते हैं, है ना। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत क्या है सुंदर है ना। तो इसमें भी कुछ क्या किया हमने नाउन का नहीं यूज किया प्रोनाउन का यूज किया, है ना। तो प्रोनाउन की भी उसने क्या बताया विशेषता बता दो, गर्ल की विशेषता रही है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और जो एडवर्ब होते हैं इनको हिंदी बोला जाता है क्रिया विशेषण, जो ये क्या होते हैं वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता को बताते हैं, इसकी वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता को बताते हैं। ऐसे वर्ड हमारे किस में आते हैं एडवर्ब में आते हैं, मीन्स कार्य तो हो रहा है लेकिन किस तरह से कार्य हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लोली हो रहा है ना। तो इस तरह के वर्ड जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं। कब हो रहा है कार्य ये भी एक विशेषता है, तो ये भी क्या होता है हमारा एडवर्ब, फास्ट, स्लोली, नाउ, अप, टुडे, आज, व्हेन, कब, है ना। एडवर्ब जैसे मैंने बोला एग्जांपल मैं आपको दूंगी, ईट स्लोली, धीमे खाओ, है ना। तो ये हमारा क्या था ईट थी हमारी क्रिया, वर्ब, ईट मीन्स खाना, खाना हमारे एक्शन क्या में आते हैं हमारे वर्ब में आते हैं, ईट क्या थी हमारी क्रिया, लेकिन ईट खाना कैसे है हमें स्लोली धीमे खाना है हमें, तो वो स्लोली जो हमारा वर्ड है उसमें आएगा एडवर्ब में आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, ऐसे सेंटेंस जो नाउन और प्रोनाउन की को पहले यूज़ किए जाते हैं, और वो किसी उसका आकार या उसके संबंध को दर्शाते हैं, है ना। तो वो हमारे क्या होते हैं प्रीपोजिशन, जैसे ऑन, एट, विद, नियर, ओवर एटसेट्रा। जैसे मैंने बोला शी इज विद मी, है ना, वह मेरे साथ है, ठीक है। इसमें दो पर्सन है, दोनों पर्सन को आपस में क्या क्या दोनों का आपस में संबंध बताया, रिलेशन बताया कि वो मेरे साथ है, कि शी इज विद मी, शी इज विद वर्ड है ये हमारा क्या है प्रीपोजिशन है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कंजक्शन दो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड को आप दो वाक्य को दो कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो वाक्य को दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। मीन्स दो सेंटेंस में हमारे पास अलग अलग और दो को एक जोड़ दिया गया, तो वो जो जोड़ते हैं वो जिन वर्डों की सहायता से जिन वर्डों की हेल्प से हम जोड़ते हैं उन्हें उन्हें हम कहते हैं कंजक्शन, जैसे एंड और बट इट एटसेट्रा। जैसे राम इज गुड बॉय एंड ही इज इंटेलिजेंट, वो क्या है अच्छा लड़का भी है और क्या है बुद्धिमान भी है। तो दो सेंटेंस हुए इंटेलिजेंट गुड बॉय है और वो बहुत इंटेलिजेंट है, इन दोनों सेंटेंसों को जिसने जोड़ा किसने जोड़ा एंड ने जोड़ा, तो एंड हमारा क्या है कंजक्शन, एंड और बट इट एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड जब भी हमें मिलते हैं वो हमारे किस में आते हैं कंजक्शन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो वर्ड जो अचानक कोई हमारे साथ चीज हुई और उस पर हमारा अचानक से रिएक्शन निकल के आता है ना, एक प्रतिक्रिया निकल के आती है, वो हमारी क्या होती है इंटरजेक्शन। कि जब खुशी होती है तो हम क्या बोलते हैं कोई गुड न्यूज हमें मिली हम कितने हुर्रे खुशी से, जब खुशी होती है खुशी से जो वर्ड निकलते हैं, सैड जब होते हैं तो जो वर्ड हमारे निकलते हैं, या कभी हम किसी चीज़ को एकदम से आश्चर्यचकित होती है अरे व्हाट, जैसे कोई हमने न्यूज़ सुनी कि
ऐसे से ऐसी चीज हुई तो हमको व्हाट क्या, मतलब हमारे जब अचानक से किसी चीज पर रिएक्शन निकलता है और हम जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारे किस में आते हैं, इंटरजेक्शन में, जैसे हुर्रे, अलास, ओह, व्हाट, एटसेट्रा, है ना। इसमें हुर्रे हम किस में यूज करते हैं, जब कोई इंजॉयमेंट या खुशी की चीज, अरे वाह, है ना, जब इस टाइप का सेंस निकलता है, अरे वाह, है ना, तो हुर्रे। अलास मीन्स दुख की, जब कोई बात होती है बड़े दुख की बात है, ओह अच्छा, जब कोई चीज हमें पता चलती है, अच्छा ओह ऐसी बात है। व्हाट मीन्स क्या, जब अचानक से कोई ऐसी चीज हमें नहीं पता होती जो हमें चौंकाने वाली होती है, तो व्हाट, अच्छा ये चीज हो गई क्या, है ना। तो ये हमारे किस में आते हैं, इंटरजेक्शन। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक जो यहाँ पर फिनिश हुआ। थैंक यू, हैव अ